हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मनपरित। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे हेयर प्लांट्स कराना चाहिए या नहीं। बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 4 साल हो गए, गंजे भी हो गए, हेयर फॉल नहीं रुक रहा। जितनी डाइट फॉलो हो सक सकी उतनी की, बहुत अच्छी तो डाइट मैंने की नहीं। तो मैं सोच रहा था कि अभी मुझे हेयर प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप देखें तो मेरा ये सेंटर प्रोफाइल, जो यहाँ का सेंटर पार्टिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी हो गया और साइड से जो हेयर लाइन है ये तो ऊपर जा ही रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ही दिन में प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अभी तुझे प्लांट्स की ज़रूरत है नहीं। तो देखते हैं कि प्लांट्स कब कराते हैं और क्या मेरा रिजल्ट रहता है। अगर मैं प्लांट्स कराऊंगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मैं अपडेट भी करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरे हेयर डेंसिटी के हिसाब से मुझे प्लांट्स कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कहाँ से कराना चाहिए? वैसे ये तो मैं खुद ही सर्च करूँगा ये कहाँ से कराना चाहिए, कहाँ के लिए कन्वीनियंस है, और सर्च करके पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट कराने की तो ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि सबके रिजल्ट सिमिलर से ही होते हैं, नियर नियर। बस एक फ़र्क होता है कि आपकी हेयर लाइन कौन सही बनाता है और कौन उसमें मतलब ड्रॉ सही से नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी हेयरलाइन पैची नज़र आती है। मुझे जो प्लांट अगर कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी फ्रंट लाइन को हैवी ग्रोथ देने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ पीछे तो मेरी अच्छी खासी ग्रोथ है लेकिन जो मेरी फ्रंट लाइन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैंटी बाल हो चुके हैं, तो हेयर स्टाइल ढंग से बनता नहीं है। तो शायद इसलिए मुझे जल्दी प्लांट्स कराने की ज़रूरत पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।